हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हैशटैग करके वीडियो चलाया जा रहा था। कुछ दिन पहले आप लोगों को जो है मैं आप लोगों को PYQ करवा रहा था, लेकिन हैशटैग का वीडियो ना कुछ दिन पहले रुक चुका था। तो फाइनली अब मैंने आप लोगों का PYQ तो कंटिन्यू करवा ही रहा हूँ। साथ ही साथ जो मैं आप लोगों को हैशटैग वाला वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मेरे सीरियसली नहीं हो, याद रखिएगा, सारा काम छोड़कर कुछ भी कर ले, हैशटैग का वीडियो जितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन को ना आप लोगों को छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर एग्जाम में रोना पड़ेगा बाबू। आज जो मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ जियोग्राफी का, याद रखे हैशटैग नंबर 3। और इस तरह से मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं सर हम लोगों को 30 में से 30 लाना है, तो 30 में से 30 आप कहाँ पे ला सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी। और हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा सर, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलेगी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को 5-5 सेट प्रोवाइड किया हूँ। एक सेट में 40 क्वेश्चन, इस तरह से मैं आप लोगों को 200 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ। और सारा क्वेश्चन, चाहे वो ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन हो, चाहे आप लोगों का PYQ का क्वेश्चन हो, चाहे आप लोगों का गेस पेपर का क्वेश्चन हो, चाहे आप लोगों का मॉडल सेट का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन को मिलाने के बाद ये 5 सेट तैयार किए गए हैं, जो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं ने बेहतरीन तरीके से आप लोगों का स्टडी करवाया था, यस या नो। तो सारा क्वेश्चन को ना एग्जाम से पहले तो पूरा कंठस्थ कर लेना, क्या पूरा कंठस्थ कर लेना, उससे बाहर नहीं पूछेगी। एक बार आप प्रीबोर्ड का एग्जाम, अगर आपका एग्जाम स्कूल या कॉलेज में चल रही है, तो प्रीबोर्ड के एग्जाम पेपर को एक बार लीजिए अपने हाथ में और मेरे 5 सेट को एक बार ओपन करके देखिए, क्या 40 क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए प्रीबोर्ड के एग्जाम पे, क्या उस क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका मॉडल सेट में, सॉरी मेरे 5 सेलेक्टेड सेट में नहीं है। अगर ऐसा लगा तो जरूर कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, हम लोग बात करने वाले हैं ना सर जियोग्राफी का, तो तबड़तोड़ क्लास, पढ़ाई पे कभी हम लोग याद रखिएगा टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन से कभी पढ़ाई करना ही नहीं है, पहली बात याद रखिएगा। मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, सेंटेंस दोनों सुनने में सेम है पर डिफरेंट आसमान और जमीन की है, क्या मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में कभी मजाक नहीं करेंगे। जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय किसी को भी याद नहीं करेंगे, वह हमारे पास अगर मेरे सबसे करीबी इंसान भी आ जाए ना, उसको भी मैं ठुकरा दूंगा, याद रखिएगा। इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, 1 घंटा पढ़ने के बाद खुद को इस तरह फीलिंग कराए कि हमें लग रहा है कि आज मैं 4 घंटा पढ़ लिया हूं, 1 घंटा पढ़ने के, इस तरह से अपने स्टडी को इतना बेटर बनाइए ना, तो आपको इस तरह से फील होना बहुत जरूरी है। फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 1 पे, अच्छा सॉरी पहले 2 आ चुका है, कोई बात नहीं, पहले हम लोग 2 को देखते हैं, ठीक है। जियोग्राफी एंड जर्नलिस्ट के लेखक कौन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरे सर सर ने टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आती है, जियोग्राफी एंड जर्नलिस्ट के लेखक कौन हो जाएगी, तो बताएंगे सर वर्नियर, क्या हो जाएगी वर्नियर। जितना क्वेश्चन है ना ये सब आप लोगों का याद रखिएगा सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन करके बताया जा रहा है, सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नियतिवाद के विचारधारा कौन है, विचारक कौन थे, नियतिवाद के जो विचारक थे ना वो कांट जी थे, हम्बोल्ट थे, रिटर थे, एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर हम लोग का, डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित आयु, अच्छा आप लोग ना नंबर पे ध्यान ना दें, आप मिसप्रिंट हो गया, आप समझ में आया क्या दिक्कत हो रही थी, नंबर पे आप लोग ध्यान नहीं देना है। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा हुआ जहां, निम्न समूह आयु में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा है जहां पे क्या होती है, मृत्यु दर बिल्कुल निम्न होती है। किसी भी देश की जनसंख्या सबसे अधिक कब हो सकती है, जब मृत्यु दर कम हो, जन्म दर अधिक हो, तो याद रखिएगा मृत्यु दर अगर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि में, याद रख जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, या सीनियो मेरे सेर सेर नियो, मजा से पढ़िए, एकदम मजा ले लेकर पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना मेरे लाल, टेंशन से कोई इंसान कुछ नहीं कर सका है, लेकिन खुशी खुशी बहुत कुछ इंसान कर दिया है, ठीक है, इसलिए टेंशन कभी नहीं लेना है। बिंदा से मुंह उठा के जाना है और मुंह उठा के एग्जाम देना है, सर झुका के नहीं, इस तरह से तैयारी बना कर रखिए, मुंह उठा के हम लोग एग्जाम देकर लौट कर घर आएंगे। अच्छा हम लोग का क्वेश्चन है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम बताएं, मतलब वो कौन सा देश है जिसमें 100% शहर है, एक भी ना गांव नहीं, एक भी ग्रामीण इलाका नहीं है, तो वो देश का नाम है सिंगापुर, क्या नाम है सेरो सेरनियो, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, केरल में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, अगर आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो केरल, अगर आपसे पूछा जाएगा कितना प्रतिशत है सर, तो बताएंगे सर 93.91%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका झारखंड का पूछा जाएगा ना, तो झारखंड में ओनली 47% व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा है, बाकी 53%, बाकी आप समझ चुके हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10,
विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जा सकती है। कहां पे नहीं की जा सकती है? तो बता दीजिए अमेजन बेसिन पे। कौन सा कृषि सर? विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि हम लोग नहीं कर सकते। कहां पे? तो अमेजन की बेसिन पे। कहां मेरे शेर शेरनी हो? अमेजन की बेसिन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? दक्षिण भारत में सबसे पहले मैं भारत में मानचित्र बना दूं। देखिए ये भारत का क्या हम लोग सर मानचित्र क्या है? भारत का मानचित्र एग्जाम्पल मुझे बनाना नहीं आता, ठीक है समझ जाइए। तो भारत के याद रखिएगा दक्षिणी भाग में सर, दक्षिणी भाग किसको हम लोग कहेंगे? तो समझिएगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब इस पार्ट में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताएंगे सर वो सिंचाई का स्रोत है तालाब। क्या है मेरे शेर शेरनियों? तालाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन 200% आपके पेपर में छपेगी, याद रखिएगा 200% एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। ब्राजील में कॉफी के बागान को कहा जाता है सर, क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या मेरे शेरों से नहीं हो? फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मैं मूव करूं अगला क्वेश्चन? अच्छा क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना सर कि बोरिंग टाइप का लग रहा है, पर अगर आपको अच्छा लग रहा है या आप लोगों को बुरा लग रहा है, जो दोनों में से ना जो आपको अंदर में से फील हो रही है आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे तो लगे ना कि जो इतना चीख चीख के मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। प्रॉफिट तो होना चाहिए ना मेरे शेर शेरनियों, बस बिना प्रॉफिट का तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं तो एक बार जरूर आप लोग दोनों में से एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो बताएंगे शुरू होगी प्राथमिक। क्या जगह प्राथमिक क्या कहा गया पता है? क्वेश्चन सुन के हैरान हो जाएंगे, सुनिए। खाली सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं होता है, आदि आवासों में ग्रामीण आदि आवासों में क्या है संबंधित है? तो ग्रामीण के बारे में कभी भी पूछा जाए याद रखिएगा कृषि हो, मैं जो लिख रहा हूं एक बार आपको याद रखना है, खनन हो, क्या खनन हो, पशु, क्या मेरे सिर से नहीं हो, पशु पशु पशुपालन हो, या आपका मछली पालन हो, याद रखें ये सब काम जो है ना ग्रामीण इलाके में किए जाते हैं। कहां पे? ग्रामीण इलाके में। और इन सब को हम लोग बोलते हैं सर प्राथमिक क्रिया। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? सबसे पहले बताइए कि विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करने वाला वो हो जाएगी सर, याद रखिएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगी? संयुक्त राज्य, याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि, कौन सा कृषि, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो देश का नाम बताने जहां पर सहकारी कृषि का सफल परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था सर हम लोग का डेनमार्क। क्या था सर? डेनमार्क। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर 18 नंबर पे। मौसमी श्रेणी का संबंध किससे है? मौसमी श्रेणी का संबंध जो है ना याद रखिएगा वो है लो आयस्क से। अच्छा ये जो मैं आप लोगों को फास्ट बता रहा हूँ ना, इससे भी फास्ट क्लास चलेगी। कब पता है? एग्जाम से एक दिन पहले, याद रखिएगा। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपका 7 तारीख को एग्जाम है, मान लेते हैं इंग्लिश का या हिंदी का, ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ हिंदी या इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। तो 5 तारीख या 6 तारीख दोनों में से एक डेट में तबड़तोड़ क्लास होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सर QR कोड नहीं है, क्विक रिविजन। क्या बोलते हैं इसको? क्विक रिविजन, जहां पे आपको सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। क्या? सिर्फ सुन कर जाना है, ना लिखना है, ना याद करना है, ना और कुछ, बस आप लोगों को ध्यान पूर्वक उनको सुनना है और तबड़तोड़ एकदम धप्पा लगा लगा कर लौट के आना, फिर आप कहेंगे सर क्या चीज बताए थे आपने, ठीक है। तो क्विक रिविजन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री लिए हैं और ज्योग्राफी लिए हैं, दोनों का पेपर आप लोगों का एक दिन का भी गैप नहीं है, तो इस सोच के इस तरह से प्रिपेयर करिए ताकि जब हम एग्जाम देकर लौटे ना तो हमें मायूस फील ना हो, ठीक है। क्योंकि दोनों एग्जाम समझ में आएंगे ना, आज अगर हिस्ट्री है तो कल पॉलिटिकल है, सॉरी ज्योग्राफी है, या तो आज ज्योग्राफी है तो कल हम लोगों का हिस्ट्री है, तो दोनों लगा लगी है, ठीक है। तो ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। बॉक्साइट में कौन सी धातु प्राप्त होती है? जो बॉक्साइट है उसमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम का ही एक दूसरा अयस्क है, याद रखिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है?
आपसे पूछा गया है ना कि द्वितीय क्रियाकलाप यहाँ पे जो है नहीं है, तो याद रखिएगा द्वितीय क्रियाकलाप जो है वो है, याद रखिएगा लोह प्रलनन। क्या देखिए, लोह प्रलनन वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन मछली पकड़ना भी ना द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। ये आंसर थोड़ा सा हमें डाउट है, क्योंकि मछली पकड़ना, याद रखिएगा मछली पकड़ना, हमें लग रहा है कि ये मछली पकड़ना जो है ना ये प्रथम में आना चाहिए, लेकिन लोह प्रलनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं, मतलब वो देश का नाम बताना है, वो महादेश का नाम बताना। महादेश कितना है सर? 7। यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, एशिया, सबसे बड़ा तो एशिया है। तो 7 महाद्वीप में वो कौन सा महाद्वीप है या महादेश है जहां पे सबसे ज्यादा लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, याद रखें उस देश का नाम है, याद रखें सॉरी उस महादेश का नाम है यूरोप। क्या नाम है मेरे लाल? यूरोप। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो बताएंगे सर 8 है। कितना पे? 8 स्टेशन है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं सर, उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग जोड़ती है, जो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ती है ना वो क्या है? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, याद रखिए कहां से, उत्तरी अटलांटिक जो मार्ग है वो किनको किनके साथ जोड़ती है? तो बताएंगे सर उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है। ये क्वेश्चन ना एक बार आप उठा कर देखिएगा, बीपी ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछा गया था कि पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। किनको मेरे सिर नहीं हो, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हम लोग का? ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोग का 28, दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? देखिए आपसे पूछा गया जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका उसमें ओपेक का सदस्य देश कौन है? आपको दक्षिण अमेरिका में तो बहुत सारे कंट्री है, लेकिन आपसे पूछा गया ना कि ओपेक का सदस्य होना चाहिए, तो बताएंगे सर वो जगह वेनेजुएला। क्या जगह? वेनेजुएला। अब वेनेजुएला जो है ना ओपेक का सदस्य देश है। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार समझ में आ रहा है तो डन कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपका क्लास अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को सर समझ में आ रहा है, हम लोग को हेल्पफुल फील हो रहा है, अंदर से फीलिंग हो रही है कि अगर इस तरह से आप क्वेश्चन आए तो हम लोग टपाटप क्लिक करके आ जाएंगे, अगर आपको अंदर से ऐसा फील हो रही है तो जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का सर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर 33, किसी झील के चारों ओर बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना मेरे सेरनियो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, समझेगा कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो बताएंगे सर वृत्ताकार। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये हमारा क्या है, झील बह रहा है, क्या है मेरे सेरनियो, ये झील है। तो किसी चारों ओर, झील के चारों ओर, चारों ओर मतलब आप गोल ही होगा, तो चारों ओर बसा गांव किस प्रकार का प्रतिरूप है? तो बताएंगे सर वृत्ताकार। अगर नदी पूछा जाएगा तो रेखाकार, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या सर्वाधिक है? मैं चार क्वेश्चन बता रहा हूं, चारों क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना है। अगर आप चारों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा आबादी वाला देश, याद रखिएगा सॉरी राज्य भारत का पूछा जाएगा तो यूपी, जिसका आंसर हो जाएगा यूपी। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे क्या कम, अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो बताएंगे सर सबसे कम क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सिक्किम। क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या कहां पे है? सिक्किम में, ठीक है। मैं चार क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में से एक क्वेश्चन यहां से टपकेगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन हो जाएगा सर? राजस्थान। अगर मैं बात करूं आप लोगों का सबसे छोटा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा सर हम लोगों का गोवा। क्या हो जाएगी? गोवा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पढ़ा लिखा देश, याद रखा राज्य, पढ़ा लिखा मतलब साक्षरता, क्या हो जाएगी? साक्षरता। तो वह जगह कौन सर? केरल। क्या हो जाएगी? केरल। ये सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पे, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे लिख लीजिए सेरो सेरनियो, सबसे ज्यादा ज्यादा जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, अगर आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व तो बताएंगे सबसे ज्यादा बिहार। कहां पे सर? बिहार में। सबसे कम तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। कम मतलब कितना? तो बताएंगे सर 17। 17 मतलब याद रखिएगा 1 किलोमीटर
एरिया में 17 व्यक्ति रहते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों बिहार का, तो 1 किलोमीटर एरिया में 1132 व्यक्ति रहा करते हैं। तो साथ आप जितना क्वेश्चन में बताऊं सारा क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन टपकेगी, तो बस छोड़ कर नहीं आना है मेरे प्यारे। निम्नलिखित में से कौन 2011 की जनगणना, 2011 की भारत की जनसंख्या है। देखिए भारत की जब जनगणना हुई थी 2011 में, जनगणना से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर सबसे पहले जनगणना पूछा जाएगा भारत में कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1872 में। कब हुई थी सर? भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सफल जनगणना, क्या सफल जनगणना याद रखिएगा, क्या बताएंगे सर सफल जनगणना, तो बताएंगे सर 1881 में हुई थी, जो अभी भी चल रही है। अगर आपसे पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो बताएंगे सर भारत की जनसंख्या कितना था, कूद के बताना है। क्या मेरे सिर से नहीं हो, कूद के बताना है मेरे 125 करोड़ देशवासियों। मोदी नहीं कहते थे, मेरे 125 करोड़ देशवासियों कहते थे ना। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ याद है, क्या जाएगी करोड़। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा था, तो बताएंगे सर चीन, क्या हो जाएगी चीन। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाएगा सबसे आबादी वाला देश कौन सा है, तो हो जाएगी भारत। चीन को भी भारत ने पछाड़ दिया है, इतना आबादी फैला दिया है भारत के लोगों ने, ठीक है। इतना आबादी होने के बावजूद भी हम दूसरे देशों से क्या है, कमजोर है। किसमें याद रखिएगा, विश्व सूचकांक, क्या विश्व सूचकांक में याद रखिएगा, HDI विश्व विकास सूचकांक में हम लोग क्या अभी भी याद रखिएगा कमजोर है औरों देशों से। हमारा रैंक क्या आया है 2024 में 131 याद रखिएगा, हम लोग 130 देश से क्या है पीछे है हमारे देश का विकास। इसके अंतर्गत में मैं बात करूं हम लोगों का पड़ोसी देश पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब क्या है 130 से पहले ही है। मतलब समझ सकते हैं कि इन छोटे छोटे देश का विकास कितना हो चुकी है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, सबसे जनसंख्या अधिक वाला मेगा नगर अगर आपसे पूछे, तो मेगा नगर का नाम बताना सर मुंबई। मुंबई में सबसे ज्यादा लोग है, क्या है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है, आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा राज्य है, कौन सा मतलब आपसे पूछा जाएगा नगर है जो पर्यटन मतलब लोग वहां पे घूमने फिरने, जहां पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं ना, उसी को हम लोग पर्यटन स्थल बोलते हैं। तो बताएगा सर वो होगी नैनीताल, क्या हो जाएगी मेरे सिर नहीं हो, नैनीताल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2001 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानवीय विकास सूचकांक, इसको हम लोग बोलते थे मानव विकास सूचकांक, ठीक है। इसमें भारत का जो याद रखेगा 2023 की डाटा में बता रहा हूं, भारत का स्थान है 131वां मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स HDI याद रखिए, ठीक है। तो स्थान है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था 2011 में कितना था, समझिएगा 2011 में कितना था भारत का स्थान, विश्व में भारत का स्थान 115वां। मैं 2023 में 2001 मतलब समझ रहा है, लगभग 22 साल पहले भारत कैसे था, अभी कैसा है। तो अभी तो कुछ तो चेंज हुई ना, विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास होगी क्या, दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग का पहले रैंक था 115, अब हम लोग का रैंक हो गया 131, मतलब 130 देश से हम लोग पिछड़ चुके हैं, समझ सकते हैं ऐसा होने का रीजन है। इसका पीछे सिर्फ एक ही कारण है, अगर मेरे से कोई पूछे वह है जातिवाद, इसके अलावा कोई नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर अगर देश मेरे नजर में अगर हुए याद रखे वह है जापान, छोटा सा देश है याद रखिएगा, यूपी का आधा भाग में जापान देश है, मतलब मान के चलिए यूपी के बराबर ये देश है उत्तर प्रदेश का। लेकिन विकास देखिएगा ना, बड़े बड़े देश जो है ना थर्रा जाते हैं इनके विकास से, क्यों पता है, क्योंकि आप कभी भी नहीं देखेंगे यहाँ पे कोई जातिवाद करता है, कोई मारकाट करता है, कहीं रेप होते हैं, कुछ भी नहीं आपको यहाँ पे नजर आएगा, कुछ भी नहीं। बच्चा पैदा हुआ 6-7 साल का हुआ, उसको टेक्नोलॉजी पकड़ा दिया, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते, ये हुआ देश विकास की ओर ले जाते। और हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, हम लोग पैदा हुए अच्छा ये मोदी है रे एकरे हम वोट डालबो रे, कांग्रेस वाला का नहीं दबो, अच्छा कांग्रेस लागो रे एकरा हम वोट दबो एकरा नहीं डालबो रे, हम यही करते हैं। हम लोग के अंदर इतना क्षमता नहीं है। सोचिए हम लोग जब भी हम लोग का इलेक्शन आती है ना इलेक्शन, हम लोग 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपये में मेरे जिंदगी को बेच देते हैं। सोचिए हम लोग का जिंदगी को हम लोग दांव पे लगाते हैं 10,000, 5,000 में, जबकि उस समय हमें सोचना चाहिए क्या कि कैसे नेता की चयन किया जाए जो हमारे देश को संभाल सके। और हमारे देश को वही संभाल सकते जो एक एजुकेशन पर्सन
प्रेसिडेंट बने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। अब दूसरे देश में चले जाएंगे ना, दूसरा देश, भारत को छोड़कर मैं बात करूँ फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, भारत को छोड़कर किसी भी देश में चले जाइएगा, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अनएडुकेटेड होते हैं और लीडर हो जाते हैं। अनएडुकेटेड का मतलब यह नहीं कि हम मैट्रिक पास हो गए तो हम लीडर बन गए, ये अनएडुकेटेड नहीं है, याद रखिए, ठीक है। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिशियन ही में जा रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई भी पूछे आप प्राइम मिनिस्टर है, अगर देश किसी भी विश्व के किसी भी कोने चले गए और अगर आपसे कोई प्रेसिडेंट के बारे में, अगर आपसे मान लेते कि आपको चुनाव से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करे, जो आपका आईपीसी जो हम लोग बोलते हैं ना आईपीसी सेक्शन इंडियन पिनल कोड, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिए तो आप अगर नहीं बोल पाएंगे तो कितनी शर्मिंदा की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री या फलां देश के प्रधानमंत्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था और उनको यही नहीं पता है, और कैसे देश के नागरिकों ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया, सोचने वाली बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन, फरीदाबाद किस राज्य में का एक शहर है, तो बताएंगे सर हरियाणा का, कहाँ का, हरियाणा का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है सर हम लोग का कि उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है, उदयपुर है सर राजस्थान में, कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है, तो बताएंगे सर हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा फल और सब्जी के उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होती है, और होने का भी रीजन है शुष्क मौसम होती है, शुष्क मतलब मौसम, कोई भी फल सब्जी उगाने के लिए मिट्टी का शुष्क होना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्न में से कौन एक भूमि भू उपयोग स्वर्ग में नहीं है, तो बताएगा सर इसका आंसर हम लोग देखेंगे अब यहां से नेक्स्ट वीडियो, याद रखिए क्या हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोगों को यहां से #4 कितना #4 कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो #4 के लिए वेट करते होंगे, क्लास शुरू से लेकर अंतिम तक देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है एक बार जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो आप लोगों को प्रॉफिट हो रही है। मिलती है इसी तरह से #4 के साथ, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।